कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तब तक हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ का टॉपिक रहेगा क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, क्योंकि जिन बच्चों का इस टॉपिक पे कोई भी अगर एक पॉइंट कमज़ोर है तो हमें हमेशा के लिए उसका जो है कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इन क्लासों का बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में आप अगर पूर्णतः वाकिफ नहीं है तो थोड़ा बहुत तो आपने जरूर जो है सुना होगा। आपको पता है जब संख्या पद्धति की शुरुआत हुई, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 अब पूर्णांक, बिल्कुल प्रारंभ में जब शिक्षा का विकास होने लगा हमारे पास सिर्फ 1 to 9 तक काउंटिंग थी। उसके बाद जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया, और सबसे बड़ी फक्र की बात है कि हमारे भारतवर्ष में ही जब हमारी संख्याएं 9 से आगे नहीं जा रही थी, उसके बाद जैसे खोज हुई तो 0 की खोज हमारे भारतवर्ष ने की थी, और जैसे ही 0 की खोज हुई उसके बाद हमारी संख्याओं का जो है विस्तृत रूप होता चला गया, संख्याएं बढ़ती चली गई, और एक उस दिन जो है गणित के इतिहास में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आपको पता है कि नंबर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि नंबर सिस्टम में नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, आप में से शायद कुछ बच्चों को पता होगा, शायद कुछ को नहीं पता होगा। इसीलिए आज का महत्वपूर्ण विषय नंबर सिस्टम का एक बार अपना सिलेबस प्रारंभ करने से पहले इसके ऊपर हमारा ध्यान देना अति अनिवार्य है। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला नंबर सिस्टम है हमारा वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उससे अगला जो नंबर सिस्टम होता है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, और जो फोर्थ होता है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल। जहां तक डेसिमल सिस्टम की बात है, आपको पता है जहां पे हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, बाइनरी जिसका बेस 2 वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल जिसका बेस 8 है, और हेक्सा जिसका बेस 16। जैसा कि आपको पता है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये वो नंबर सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं, उसके अंदर इनका प्रयोग होता है। लेकिन जो डेसिमल नंबर सिस्टम है
वो हमारे गणित की मुख्य ब्रांच है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9। एक बात आपको उससे पहले बताने भूल गया था, आपको पता 1, 2, 3, 4 up to 9 जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रारंभ में हमारे पास ये नंबर सिस्टम था इतना ही, इसलिए इसको हमने नेचर से मिले थे हमारे, इसलिए इसको हमने नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बेसिक नंबर सिस्टम इज ए वे, डेफिनेशन लिख देता हूं, बेसिक नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट नंबर। अर्थात जो बेसिक नंबर सिस्टम का जो वे है वो रिप्रेजेंट नंबर से बिलोंग करता है। सपोज किया आपसे हमने पूछा कि आपका विद्यालय आपसे कितनी दूरी पर है, स्वाभाविक बात है हम उसमें दूरी बताएंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है ये डिस्टेंस। इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि बेसिक नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट नंबर। बात कर रहे हैं हम अब रियल नंबर की, नंबर आ गए तो इसमें रियल नंबर, रियल नंबर सिस्टम, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है नंबर सिस्टम, सिस्टम के अंदर रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के अंदर एक शब्द आया हमारे पास नंबर और रियल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर? नंबर किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखिए, नंबर इज ए मैथमेटिकल, नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल और द ऑब्जेक्ट, और द ऑब्जेक्ट। नंबर वह गणित की जो है वह मैथ का टूल है या ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी यूज काउंट, गिनती के लिए, और मेजर और लेवल। ये माय डियर स्टूडेंट्स नंबर की परिभाषा है कि नंबर इज ए मैथमेटिकल टूल और द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू काउंट और मेजर और लेवल। अब प्रश्न उठता हमारे पास कि रियल नंबर क्या है? नंबर की परिभाषा हमारे पास होगी लेकिन रियल नंबर किन को कहेंगे, वास्तविक नंबर किन्हें कहेंगे,
आपको कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 6 में बताया गया होगा आपको एक नंबर सिस्टम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सिखलाया गया होगा। इसलिए जिन नंबरों को हम किसी रेखा पे रिप्रेजेंट कर सके उसको रियल नंबर सिस्टम कहते हैं, अर्थात रियल नंबर इज रियल नंबर आर दोज रियल नंबर आर दोज दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन जिनको हम एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। आप इन डेफिनेशन को लिख सकते हो, अपनी भाषा में बना सकते हो। जब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है तो उनको हम आसानी से बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रियल नंबर के अंदर तो आप बोलोगे कि सर्किल लाइन है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो। इस पे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके अंदर जीरो भी है, 1, 2, 3, 4 अप टू अनफिनिटी तक है। अगर दूसरी दिशा की हम बात करते हैं तो -1, -2, -3, -4 अप टू अनफिनिटी तक। अब प्रश्न यहां पर जो है क्रिएट होता है कि रियल नंबर्स को कितने कैटेगरी में बांटा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को 2 कैटेगरी के अंदर, अर्थात इसका हम यहां पे डायग्राम बनाएंगे।